गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ऑनलाइन ट्यूटोरियल हिंदी क्लास लेक्चर 16 में स्टैंडर्ड 8 के बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आपने प्रीवियस लेक्चर हिंदी लिटरेचर में चैप्टर 1 इतने ऊंचे उठो कविता को पढ़ा था। उसमें आपने इस कविता का शब्दार्थ तथा कुछ मौखिक प्रश्नों का उत्तर भी लिखा था। आज हम लेक्चर 16 में हिंदी लिटरेचर के क्लास में इतने ऊंचे उठो कविता का लिखित प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। आप अपनी नोटबुक निकालें और इन प्रश्नों का उत्तर लिखें। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें आपका क नंबर क्वेश्चन यानी पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें क्वेश्चन क है, कवि ने हमें शीतल मलय पवन की तरह बहने की प्रेरणा क्यों दी है? कवि ने हमें शीतल मलय पवन की तरह बहने की प्रेरणा क्यों दी है? इसका आंसर होगा, कवि ने हमें शीतल मलय पवन की तरह बनने की प्रेरणा इसलिए दी है बहने की कवि ने हमें शीतल मलय पवन की तरह बहने की प्रेरणा इसलिए दी है क्योंकि मलय पर्वत की ओर से आने वाली हवा में चंदन सी सुगंध रहती है तथा शीतल भी होती है। इसी तरह हमें भी रंग, जाति, धर्म और द्वेष से ऊपर उठकर अपने भीतर शीतलता आदि गुणों को धारण कर व्यक्तित्व को निखारना चाहिए। एक बार और इसको हम रिपीट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कवि ने हमें शीतल मलय पवन की तरह बहने की प्रेरणा क्यों दी है? इसका आंसर होगा, कवि ने हमें शीतल मलय पवन की तरह बहने की प्रेरणा इसलिए दी है क्योंकि मलय पर्वत की ओर से आने वाली हवा में चंदन सी सुगंध रहती है तथा शीतल भी होती है। इसी तरह हमें भी रंग, जाति, धर्म और द्वेष से ऊपर उठकर अपने भीतर शीतलता आदि गुणों को धारण कर व्यक्तित्व को निखारना चाहिए। प्रश्न 2 है, आज जगत किन किन कुरीतियों से जल रहा है? इसका आंसर होगा, आज जगत जाति भेद की, धर्म वेश की, काले गोरे रंग द्वेष की कुरीतियों से जल रहा है। प्रश्न आपका ख है, आज जगत किन किन कुरीतियों से जल रहा है? इसका उत्तर होगा, आज जगत जाति भेद की, धर्म वेश की, काले गोरे रंग द्वेष की कुरीतियों से जल रहा है। बच्चों, इस चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल के क्लास में करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।